अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस वक्त हम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के साथ मौजूद हैं। हजरत से कुछ बातें अर्ज करनी थी। हुजूर, आप अमरावती तशरीफ लाए, अमरावती से आपका कल आर्मी में प्रोग्राम है, तो आप आर्मी किस मकसद से हाजिर होंगे? आर्मी जाने का मकसद और कहीं पे भी हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में भी मैं जाता हूँ तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का जो दरअसल मकसद है उनसे आवाम को अवेयर कराना, और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का जो मकसद है वो यह है सूफिया कराम बुजुर्गान दीन की जो तालीमात हैं और उनका जो अंदाज तबलीग रहा और आवाम के साथ जो दीनी मामलात रहे हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ हमें कायम रखना है, आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, आपसी मामलातदारी, दीन पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने का जो असलूब सूफिया इकराम ने अख्तियार किया था उसी तरीक़ेकार को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने ली है और उसे आम करने की कोशिश की है। इसी सिलसिले एक कड़ी है जहाँ में जाकर इसी तरह की गुफ्तगू वहाँ की आवाम के सामने करना चाहता हूँ और उन्हें आवाज़ करना चाहता हूँ। मोहतरम प्यारे भाइयों, देखा आपने अल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ साहब का आर्मी आने का मकसद सूफिया किराम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने पर पहुंचाना है और इसी गर्ज के तहत हजरत की वहां कल आमद हो रही है। अब मैं तमाम इस्लामी भाइयों से पुरखलूस इतमास करता हूं कि हजरत की आमद पर हजरत के अगराज व मकासद को आपने समाअत कर लिया, उस अगराज व मकासद को जहन में रखकर आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। रब तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को इस तरह के दीनी प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक रफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।